गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी इस वीडियो में। माई सेल्फ खुशबू। आई बज रहे सुबह के 9, आधे काम कर चुकी हूँ, फिर ब्लैंकेट में मैं आ गई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। टोपा भी लगा रखा है और लूंगी चाय। और घर की हो चुकी है पूरी क्लीनिंग, सब जा मैंने ले लिया है। शावर परी हो चुकी है पूरी फ्री। मैडम जा चुकी है पर उठा के उसे फटाफट भेजते हैं। ये लो अंशु, आपका ब्रेकफास्ट और टाइमिंग शिफ्ट हो चुकी है। 3 PM हो गया आपके ट्यूशन का टाइमिंग। ओके, हो गया है हमारा लंच रेडी, और देंगे पहले अंशु को ताकि वो आराम से खा के फिर ट्यूशन जैसा के देते हैं। कहते हैं जल्दी है काम शैतान का होता है, आज मेरे साथ वही हो गया। आज मैंने जल्दी जल्दी परी के टोपे का ये बॉल निकल गया था, वो नहीं लगाया है तो, लेकिन दर्द लग गया है। लगाना था मुझे यहाँ कान के पास में, ये इस कान के पास में लगा दिया है मैंने पीछे। तो परी अपने आप को देखे कह रही, मम्मा ये क्या कर दिया आपने, दिखाओ परी दिखाओ, घूम के दिखाओ, टर्न डो। बहुत ही अजीब है। तो जल्दी जल्दी कोई भी काम ना करे, ये जो मेरे साथ हुआ है कहीं आपके साथ ना हो जाए। अगर कोई भी आप काम करे तो बड़े प्यार से और आराम से करें। पर ये बहुत खुश होती है, फिर हम लोग खाना नहीं देते क्या आपको? सोनू भाई बोल रहा है कि ये यही बात बोलने वाले थे कि परी यहाँ पे खेलती है, खाने भी मिलता है ना हम लोग। खेलने के लिए मुझे तो थोड़ी नहीं आता, कह रही खाना मिलता है हमें, और वहां जाके बोलते हैं मेरे को मम्मी के पास खाना मिलता है। क्या मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इसने मुझे कार के नीचे पार्किंग के नीचे इतना बैठा। ये क्या है इतनी दूध का चाय? फिर हमें किस चीज के चाय दिया है? बकरी के दूध का चाय? मीठा नहीं ये। ओहो बल्ले बल्ले फटा फटा आते ही कर दिया मेरे बच्चों ने मम्मी जी को परेशान। मम्मी मैगी बनाने बनाएंगे परेशान हो गई। मम्मी मम्मी क्या क्या हो गया? आपकी मैगी खत्म हो गई आज है? काफी दिन से रखी हुई थी ना। हाँ विनाश बोली फोटो कॉपी निकलवा के, ये देखो इतनी दाते, ओए 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 स्माइल, ओए ओए। मैं गई लेकिन मम्मी जी को चाय बनाने नहीं आई है ना। मम्मी जी चाय बनाने नहीं आई ना, क्या कहते हैं पापा जी? क्या कहते हैं पापा जी? क्या कहते बताइए। आज हो गया है हमारा फिल्टर खराब, तो कॉल तो किया है बट आया नहीं है। अब कल आएगा परसों आएगा ये नहीं पता है। मम्मी मम्मी कैसी बनती है चाय आपकी? अच्छी बनती है? हाँ अच्छी बनती है, अच्छी बनती है। मम्मी झूठ बोल रही है, मम्मी ने हंस दिया हंस दिया। दोस्तों मेरे हाथ की चाय पी है तो फटाफट घर पे आ जाओ, यहाँ पे चाहे वहाँ पे कहीं भी मिलूंगी मैं आपको, अब पिलाऊंगी चाय।
मैं वोट लेती हूँ। अविनाश भोजी मम्मी की चाय कितनी अच्छी होती है बहुत। अविनाश भोजी में हंस दिया। अब हम जाएंगे बिरयानी बनाने के लिए। मम्मी करिए गपशप। अपनी आंटी ने ली है मेरी हाथ की चाय, मैंने भी ले ली है ग्लास में चाय, मम्मी ने दी थी छोटे कप में चाय। कौन मर गया? मम्मी जी आंटी नहीं डेथ कर गई जिन्होंने हमें खाना खिलाया था और चिकन लेग पीस खिलाया था। मेरी सारी वीडियो में सिर्फ चिकन और मटन ही आता, लोग भी ये सोचेंगे यार ये लोग कितना चिकन और मटन खाते हैं। कहाँ चिकन है? चिकन का बात हो रहा था अभी तो, वो मरने का बात हो रहा था ना। लिंगा मंगल की मम्मी नहीं मर गई थी? बोल रहे क्या बोल रहे? चाय अच्छी बनी है तो तेज़ से बोलो, तेज़ से बोलो। अच्छा मैं रोज ही ना जाऊंगी बनाने के लिए, है ना मम्मी जी? आपको आपको ठंड नहीं लगी? आपको नजर लग गई? आप जो ये लिपस्टिक और ये इतनी सुंदर सुंदर बनके जो घूमती है ना स्टाइल करके, क्या है मम्मी जी? क्या लगाया आपने? नींद पूरी नहीं है तो क्या लगाया आपने? क्या लगाया? क्रीम लगाई। क्रीम लगा तभी तो आप, तभी तो आपको नजर लग गई है। इतनी क्रीम लगा लगा के चलेंगे तो नजर नहीं लगेगी आपको? इतना सुंदर बन के घूमती है आप। परी खा रही है मैगी दादी के पास क्योंकि उसकी दादी नहीं मानती है मेरी बात। अब देख मेरे जो प्यारे प्यासे देवर और नंद है, उन्होंने भी काफी टाइम पहले मुझे बोला था, तो मैं आज सोच के आई थी कि मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी और आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। ये मैंने काटा है बारीक बारीक प्याज जो मैं करने जा रही हूँ फ्राई में, जो पूरा गरम हो जाएगा। अभी गरम नहीं हुआ है और यहाँ पे डाला है हमने चावल बॉईल होने के लिए। अभी पानी डाला हुआ है, हम इसके अंदर चावल डालेंगे। हमने सारे मसाले डाले हैं इसमें, साबुत, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, हरी मिर्च और तेज पत्ता। ये पानी बॉईल होगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल जो हमने भिगो रखे हैं। ये डबल चाबी राइस है, डबल चाबी राइस। अनियन डालें, वो नीचे बैठ गया, अभी नहीं हुआ हमारा ऑयल गरम अनियन फ्राई होने के लिए। और इसको चलाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ेंगे तो नीचे चिपक जाएगा तो फिर ये जल जाएगा। और जलाना भी बिल्कुल नहीं है, हल्का सा ब्राउन होना है, हल्का सा नहीं, ज़्यादा काला नहीं करना, इसे ब्राउन होने देना है, लाइट ब्राउन कलर हो गया है हमारा। अब हम डालेंगे इसके अंदर राइस। हमारा चावल और मैंने डाल दिया ये पानी में। ये है जिंजर, ये है गार्लिक, हम इसमें डालेंगे जीरा, काली मिर्च और हम सबको पीस लेंगे। थोड़ी मैंने कर लिया है अनियन को लाइट ब्राउन कलर, मैंने लिया है प्लेट में। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो प्लीज टिश्यू पेपर रखना क्योंकि ताकि इसका जो ऑयल होगा ना वो सोख लेगा और सिर्फ अनियन ही रह जाएगा, इसका ऑयल नहीं आएगा आपके खाने में। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है लेकिन आप लोगों को टिप्स जरूर दे रही हूँ मैं, बाद में मत बोलना कि नहीं दिया। लोगों ने ये भी देख रहे होंगे कि मेरे घर में कितने बड़े बड़े तवे आज गैस पे हैं। बड़ी बड़ी इसलिए हैं क्योंकि आज मेरी फुल फैमिली आई खाने के लिए। सबको जो मेरे प्यारे छोटे छोटे से देवर और नंद है, मैंने सबको इनवाइट किया कि कोई भी रह ना जाए। आज मेरी चिकन बिरयानी से चिकन बिरयानी सबको टेस्ट करवानी है क्योंकि काफ़ी टाइम उनको मैंने खिलाया था, पहले खिलाया था लेकिन मैं फिर दोबारा उनके लिए बना लूँ। वैसा ही कोशिश करूंगी लाने के लिए। अगर सबके पास दालचीनी है, किसी सबके पास दालचीनी है तो दाल। दोस्तों मैं आज बना रही हूँ बिरयानी, तो मम्मी पूछ रही कि आज किसी की पार्टी है तो मैंने कि ऐसी है यार जरूरी है पार्टी करने का, भी पार्टी कर लो फैमिली का, खुशी हमेशा खुश रहो। मैं कभी कहती हूँ दुख रहने के लिए, हमेशा खुश रहो, लाइफ है तो खुश रहो हमेशा। एक ऐसा पॉइंट मत ढूंढो कि मैं इस टाइम पे खुश रहूंगी चाहे रहूंगा, इंजॉय करो लाइफ को। जरूरी नहीं कि आपके पास में कोई खुशखबरी आएगी तभी आप एंजॉय करोगे, फैमिली में लिए अच्छे से पार्टी करो यार। कैमरा मैन थोड़ा सा पीछे हट जाना तो आपके मुंह पे सीधा आ जाएगा। कैमरा मैन ये डाल दिए, थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट अपना मैरिनेट करने के लिए, थोड़ा सा ये अपनी चीजें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। हमने इसमें डाला था दही,
लहसुन अदरक का खर्चा आती है, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला करके डाली है इसके अंदर। हमारे डाले हैं हमने अभी डाले हैं फ्लेम पूरा फुल होना चाहिए। मैं हर टाइम हर चीजें बता रही हूँ। ये हमारा चावल हम निकालेंगे, इसका पानी फटाफट। दोस्तों मैं तोड़ रही थी नारियल सूखा लेकिन टूट नहीं रहा है। सुपरमैन भाभी, सुपरमैन हूँ मैं, मैन नहीं वुमन लेकिन नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, किसी को बुलाना पड़ेगा। नहीं टूट गया हल्का सा, क्रैक तो। वाओ, ओ माय गॉड, वेरी गुड भाभी। जीरा, काली मिर्च डल चुका है। बस मम्मी बस, 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 ये बरती ये काली मिर्च लगती है गले में, तो लिमिट में डाले हर चीज लिमिटेशन डाले। मैं क्वांटिटी, हाँ जी हाँ जी, अब जाइए। ये डाल दिया हमने, अब ये पीस लेंगे। डाल दिया है हमने इसमें जीरा, काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैंने आपको दिखाया था, आपको धनिया पाउडर, अच्छा लाल मिर्ची पाउडर, अच्छा टेस्ट के अनुसार डालो, जितना आप तीखा खा सकते हो। अच्छा, हमने इसमें मसाला ऐड किया तो और डालेंगे हम इसके अंदर नमक। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे हम इसको। बहुत प्यारी देवरानी, सपोर्ट करने के लिए आई है, मुझे ये हेल्प करवाएगी देवरानी। यह है पानी निकाल के चावल रेडी। हमने इसमें टमाटो डाल दिया हमने इसमें, क्योंकि मसाला पक जाता है तब हम टमाटर डालते हैं, क्योंकि टमाटर का खटास जो होता है वो चीज़ों को पकने नहीं देता, इसलिए मसाले को अच्छे से भूनने चाहिए और उसके बाद टमाटर डालना चाहिए। हुआ प्याज वो हम मिक्सी में कर देंगे इसको मिक्स अच्छे से। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें नारियल सूखा हुआ, इसका टेस्ट और निकल के आएगा। अभी हम नहीं डालेंगे, अभी चिकन पक रहा है, इसे कद्दूकस करके डालना चाहिए, नहीं तो गलती हो गई। क्लियर ना तो ध्यान से सुने प्लीज। ये है ऑरेंज कलर जो मार्केट में मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा, किसी मार्केट में किराने की शॉप पे पूछेंगे तो मिल जाएगा कि हमें ऑरेंज कलर चाहिए। काफी कलर आते हैं जो पेस्ट्री भी बनाते हैं हम, जो क्रीम बनाते हैं उनके लिए भी आती है, तो वैसे ही ये कलर है। तो हम डालेंगे ये थोड़ा सा ऑयल में पकाएंगे और उसके बाद हम डालेंगे चावल, ताकि हमारे चावल बहुत कलरफुल नजर आए और बहुत ही अच्छे लगे खाने में, देखने में सब कुछ लुक भी अच्छा लगना चाहिए खाने का। तो हम लोग ये डालते जल्दी जल्दी, ये मैंने अभी डाल लिया है, आप बाद में डाल सकते हैं जब हम लोग चावल और चिकन फैलाएंगे तब, लेकिन मैंने कहा अभी टाइम है तो आधा काम तो कर लिया, जब तक ये अपने चावल में पूरा अच्छे से अंदर घुस जाएगा, पूरा नीचे तक चला जाएगा, ये पूरा कलर हो जाएगा, जहाँ जहाँ मैं डाला वो लाइन पूरी नीचे ऑरेंज हो जाएगी। ये हमारा हो चुका है चिकन रेडी और बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू। आप लोग नहीं ले नहीं सकते खुशबू, लेकिन मैं लेके बता रही हूँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। देखिए मेरे पीसेस टूटे भी नहीं है, पीसेस ऐसे ही हैं मेरे पीसेस। ये मैंने डाल दिया है, ये मैं डाल रही हूँ पेस्ट जो मैंने बनाया था, आपको बताया था मैंने, अनियन और कोकोनट का देंगे, क्योंकि पीसेस टूटने का डर रहता है, फिर कोई कहता है मेरे को पीस चाहिए तो फिर किसी को पीसेस नहीं मिलते टूटने के बाद। उनको देख के तो अभी मुंह में पानी आ रहा है यार, बोलने से ज्यादा मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये हो चुका है हमारा रेडी, अब हम करने जाएंगे, अच्छे से सजाए जाएंगे प्लेस को।
इसको वॉश, और हम सुखा रहे हैं इसको, पहले सुखा लेते हैं अच्छे से। इसमें पानी है क्योंकि पानी होने के बाद हम पहले सजा नहीं सकते, तो हम पहले इसको सुखाएंगे, उसके बाद हम डालेंगे चावल, फिर चिकन, फिर और भी इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं जो डालने हैं इसमें। ठंड बहुत ज़्यादा है, देख लो मैंने मोटर कैसे कर लिया है यार, मैंने एप्रन फिर नहीं पहना। किस किस के पास एप्रन होता है वो भूल जाता है पहनना, जैसे कि मैं, और कौन कौन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सुखा दिए हैं, अब ये कर रही हूँ इसको थोड़ा सा भाप देने के लिए। हमारे तवा यूज़ नहीं होता क्योंकि तवे पे रोटी बनती है, तो मैंने ले लिया है अंडा बनाने वाला फ्राई पैन। अब इसको गर्म करूँगी, इसी के ऊपर उसको थोड़ा सा भाप दूंगी, और जो मैं डालूंगी वो चीज़ अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी उस चीज़ों को। चलो ये राइस डालते हैं फटाफट। अब ये सजाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा चिकन लेके सर्व करेंगे अच्छे से, फिर बनाते रहेंगे। जैसे डाला चावल और फिर चिकन, फिर चावल, फिर चिकन, ऐसे डालेंगे, डालते रहेंगे। मैंने बाजार से मंगा ली है हरी मिर्च की अचार, ये ज़रूरी होता है, थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग होता है, खट्टा अच्छा सा लगता है, खट्टा तीखा बहुत टेस्टी लगता है। एक तो हमारा चिकन है ही टेस्टी, वो तो खा के लोग बताएंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे, डालने में मुझे अच्छा लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए डालते हैं। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, और मैं डालने जा रही हूँ इसके ऊपर, ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी सी आए, दम लगे इसमें अच्छे से। थोड़ा सा केरला वाटर, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आए। ऐसा खुशबू तो आ ही रही है, थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिरयानी है, बिरयानी में अगर खुशबू ना आए तो फिर किस बात की बिरयानी। ये है ढक्कन हमारा, मेरे ख्याल से इसका ढक्कन शायद ये अच्छा लगेगा, इसे कवर हो रहा है तो हम ये कवर करेंगे। और मैंने गूंद के रखा था थोड़ा सा आटा, ताकि इसका जो दम लगे वो अच्छे से लग जाए। लेट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, ये मेरी नानी जी बोल रही हैं। ये कर लिया है मैंने पूरा कवर, ताकि इसका ये कर दिया मैं दम लगने के लिए। एक्चुअली मम्मी नहीं देगी तवा, तो हमारा दम ऐसे ही लगेगा गैस को। अगर कोई भी कर रहा है, अगर ऐसे मेरी तरफ कोई भी ऐसा है कि घर में नॉन वेजिटेरियन भी है और वेजिटेरियन भी है, तो अगर आप अंडे वाला फ्राई पैन यूज कर रहे हैं तो उसको गैस निकलने की जगह दे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के बिना गैस नहीं जलती, उसका ऑक्सीजन ना रोके, हानिकारक हो सकता है। बिरयानी जो कि दम लग रही है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लग रही है दम, देखिए मैंने कैसे मैंने आइडिया लगा के किया है, मुझे नहीं पता लगा। हाँ थोड़ा सा, अगर हम बिरयानी खाते हैं तो हम बिना चटनी तो खाएंगे नहीं, तो उसके लिए हम बनाएंगे चटनी। डालेंगे हम इसमें पुदीना, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, दही, टमाटर और हल्का सा नमक, टेस्ट के अनुसार नमक। चटनी तैयार, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए, जल्दी जल्दी हम लोग खा लें। और बाकी सब लोग 100 मीटर से आए हैं और हम लोग तो घर के ही हैं, ये आटा रख दिया है मैंने, कोई बात नहीं, ये दे देंगे हम लोग डॉगी को रोटी बना के, फिर गाय को नहीं देंगे क्योंकि नॉनवेज वाला है, इसका हम रोटी बनाएंगे और जो डॉगी खिला देंगे, स्ट्रीट डॉग होते हैं हम वो खिला देंगे, और गाय को देंगे वाला है, ठीक है।
मम्मी आंटी से क्या कर रही है? ये आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? चलिए देती हूँ, अब सर्व कर रहे हैं। आ जाओ सब बैठने, आ जाओ बिरयानी खाने, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ सब यहाँ पे लेग पीस के लिए एकदम वो कर रहे हैं। चटनी दीजिए टेस्ट जबरदस्त, हैदराबादी मुरादाबादी सब बनता है वो है सच में बहुत बढ़िया। आप फेमस हो वैसे बिरयानी के लिए तो आपको मालूम ही हो ना। हैं सच में मेरी बिरयानी इतनी फेमस हो गई क्या? अरे इतनी ऑडियंस आई हुई बिरयानी के लिए तो आप अभी ऐसी बात कर रहे हो? हाँ यार मैं बिरयानी के लिए खास तौर से मैं आज जल्दी आई हूँ। पता किसने बनाई थी ये? मैंने सैलेड भी काटा था, सैलेड मम्मी से कटवाया था, चटनी और सैलेड। ये इनको सैलेड नहीं मिला, चटनी दे देने जा रही हूँ इनको, इनको मिल गया सैलेड। अरे गुड नाइट एवरीवन, और चालाक ब्रो चालाक वीडियो देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो प्लीज जल्दी जल्दी करो।